नमस्कार। आज हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि आप अपने बच्चे की कैसे असामान्य स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के कारण या किसी और कारण अगर वो अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, जैसे कि गर्दन संभालना, करवट लेना या उठ के बैठना, तो वो सब कार्य आप कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से घर पे बैठे हुए, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर बच्चे की गर्दन नहीं संभल रही है, वो उठ के बैठने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन लटक जाती है, या जब भी आप उसको उठाते हैं तो वो अपनी गर्दन को नीचे की तरफ रखता है, तो आप उसको उल्टा लेटा के बिस्तर पे या किसी तकिए के ऊपर इस तरह से आगे से खिलौने आवाज वाले दिखा सकते हैं, अलग अलग रंग के, ताकि बच्चा उसकी आवाज से अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करे। इसको और करने के लिए आप बच्चे की गर्दन को पीछे से स्ट्रोक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको गर्दन संभालना सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को करवट लेने में दिक्कत है, सीधे से उल्टा होना और उल्टे से सीधा होना, तो आप उसको करवट दिलाने के लिए ये ध्यान देंगे कि जिस तरफ करवट लेना है उसके जो सामने वाली टांग है उसको मोड़ना है और उसके सामने वाले हाथ को ऊपर की तरफ सीधा करना है। यहाँ से सपोर्ट देते हुए बच्चे को करवट दिलाना है। अगर उसको उल्टे से सीधा करना है, इसी तरह से जो जिस तरफ उसे सीधा करना है उसके सामने वाली टांग को मोड़ना है, हाथ को सीधा करना है और फिर उसको सपोर्ट देते हुए आप सीधा से सीधा होना और सीधे से उल्टा होना, करवट बदलना आप अपने बच्चे को। अगर वो बैठने की कोशिश करता है तो उसकी अगर गर्दन लटक जाती है, या जब वो बैठता है तो उसकी कमर पूरी गोल गुलाई में चली जाती है, तो उसको बैठना सिखाने के लिए आपको ध्यान देना है कि दोनों टांगों को एक साथ ऊपर की तरफ मोड़ना है, दोनों हाथों को भी उसके साथ लेते हुए बीच में उसकी गर्दन पे थोड़ा सा सहयोग देते हुए उसको ऊपर की तरफ बिठाना है। इसको आप कोशिश बार बार करेंगे तो बच्चा बैठना सीख सकता है। इस तरह से दोनों टांगों को ऊपर की तरफ करना, दोनों हाथों को बीच में लाना, गर्दन पे थोड़ा सहयोग देते हुए उसको आप बैठना सिखा सकते हैं। धन्यवाद। देंगे कि जब आपका बच्चा कुछ देर के लिए 15 मिनट आधा घंटा कोने में बैठना सीख जाए, तो इस तरह से आप आगे दो तकिए लगा सकते हैं और उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे वजन दिला सकते हैं ताकि वो टिक के बैठ सके। जब वो ऐसे बैठा हुआ है तो आप उसको खिलौने दे सकते हैं आगे खेलने के लिए, जिससे वो दोनों हाथों से पकड़ सके, या फिर आप उसको खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल या पानी पिलाना सिखा सकते हैं। उसके हाथ की मांसपेशियों से के लिए कोई टॉय दे सकते हैं जिससे वो अपनी हाथ के मांसपेशियों की वर्जिश कर सके। ये आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे बच्चे की बैठने की क्षमता में और बढ़ावा होगा। धन्यवाद। बताएंगे कि अगर आपका बच्चा बैठ तो जाता है बट बैठने की उसकी ज्यादा देर की क्षमता नहीं है, या वो बैठता है तो गिर जाता है जल्दी से, तो आप घर पे बड़े आसान तरीके से घर के किसी कोने में या सोफे में आपको 4 तकिए चाहिए। इस तरह से 2 तकिए कोने में, एक बीच में तिकोन बना के लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आप तकिया या कुशन, कुछ भी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या चादर भी बिछा सकते हैं। बच्चे को ध्यान से लेके बीच में आप बिठाना है। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ होने चाहिए। अगर वो खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है घर में, तो इस तरह से आप उसको बिठाएंगे तो उसकी धीरे धीरे बैठने की क्षमता बढ़ेगी। धन्यवाद।